हेलो देयर एवरीवन, दिस इज़ रोशिफ एंड यू आर वाचिंग यूआई डेवलप रिकॉर्ड। दोस्तों, आपने अक्सर सीएसएस में कहीं ना कहीं देखा होगा कि हम ग्रेटर देन, प्लस और टिल्ड साइन यूज़ करते हैं, पर इनका यूज़ होता क्या है, कैसे चलते हैं और सीएसएस में ये वर्क कैसे करते हैं, तो आइए इनके बारे में आज सीखते हैं। तो जैसा कि हम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डिव ग्रेटर देन पी लिखा है और प्लस लिखा है और टिल्ड आइकन लिखा है, पर बेसिकली इनका सीएसएस में कुछ और नाम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रेटर देन का, तो इनको सीएसएस में बोलते हैं डायरेक्ट चिल्ड्रन या डायरेक्ट चाइल्ड कॉम्बिनेटर, या फिर प्लस की बात करूं तो प्लस को बोलते हैं एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, और इसको बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर। तो ये वर्क कैसे करते हैं और सीएसएस में इनका यूज़ क्या होता है, आज हम यही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर लेआउट तैयार किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। मैंने तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैं थोड़ा थोड़ा कोड लिखूंगा और आपको बिल्कुल इजीली समझाऊंगा कि इसमें हम वर्क कैसे करते हैं और सीएसएस कैसे वर्क करती है। तो ये मेरा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि डायरेक्ट चाइल्ड क्या होता है, डायरेक्ट चिल्ड्रन क्या होता है, और ये ग्रेटर देन का साइन जो होता है ये कैसे वर्क करता है। सिंपली मैं लिख लेता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ पेरेंट, और उसमें पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, एक डिव एक और ले लेता हूँ चाइल्ड नाम से, और उसमें भी पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ। अब सेव करता हूँ तो मेरे पास ये पैराग्राफ आ गए हैं, सिंपल चार पैराग्राफ हैं। अभी इस पर कोई भी सीएसएस अप्लाई नहीं की गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सीएसएस में जाके, ये सिंपल बेसिक सा मैंने उसी के रिलेटेड सीएसएस बनाई हुई है, हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पेरेंट्स, सबसे पहले हम लिखते हैं स्पेस दे के पी, और इसका कलर कर लेते हैं रेड। देखते हैं इसको करने से क्या होता है। सिंपल पे अभी मैंने पेरेंट लिखा है और स्पेस दिया है, तो इसने क्या किया, जो पेरेंट के अंदर जितने भी पी आ रहे थे सबको सिलेक्ट कर लिया और सबका कलर रेड कर दिया। यानी कि मैंने यहाँ पे पेरेंट ये डिव है, इसके अंदर जितने भी पी आ रहे हैं यहाँ पर पी आ रहे हैं, और एक चाइल्ड डिव है उसके अंदर दोबारा फर्दर जो पी आ रहे हैं सबको सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ, यानी कि डायरेक्ट चाइल्ड का साइन लगाता हूँ, तो अब देखते हैं क्या करता है। इसको मैंने सेव किया और अब देखते हैं इसने सिर्फ ऊपर वालों को सिलेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि इसने जो डायरेक्ट पेरेंट में डायरेक्ट जो इसके पैराग्राफ मिल रहे हैं सिर्फ उसको सिलेक्ट कर रहा है। पेरेंट डिव के अंदर एक और डिव मिल रही है चाइल्ड, जो पेरेंट की चाइल्ड है उसके अंदर भी पैराग्राफ आ रहे हैं, लेकिन इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। तो इसका यही मतलब होता है, जैसा कि इसका नाम है कि डायरेक्ट चाइल्ड, तो ये डायरेक्ट चाइल्ड को ही सिलेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ऊपर वाले मेरे दोनों डायरेक्ट चाइल्ड थे, उसने डायरेक्ट चाइल्ड को ही सिलेक्ट किया। तो गाइज, अब सीख लेते हैं एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है। हम यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डिव ले लेता हूँ बॉक्स नाम से, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसकी सीएसएस लिख लेते हैं। अगर मैं सेव करता हूँ तो ये ऐसे बॉक्सेस आ गए हैं। अब हम अपना कोड लिखते हैं। एक मैं क्लास ले लेता हूँ अप्लाई नाम से, और लिख लेता हूँ प्लस साइन और बॉक्स, और इस पर बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, और सिंपली इस अप्लाई क्लास को अपने पहले वाली डिप पर अप्लाई कर देता हूँ। मैंने अप्लाई को पहले वाली डिप पर अप्लाई कर दिया, उसको सेव करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए इसने क्या किया, मैंने पहले वाली डिप पर इसको अप्लाई किया था, इसने इसके नेक्स्ट वाला जो उसको सिबलिंग इसका मिला उसको उसने अप्लाई कर दिया, उस पर बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया, और बाकी सेम टू सेम ऐसे ही रहे। तो एडजेसेंट सिबलिंग्स यही वर्क करता है, जिस डिप पर हम अप्लाई करते हैं उसके नेक्स्ट वाले को ये सिलेक्ट करता है और बाकी को सेम एज इट इज रहने देता है।
अगर मैं इसको उठाकर कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ, मैं थर्ड वाले पे लगाता हूँ, मैंने थर्ड वाले पे लगाया है तो अब ये उसके फोर्थ वाले पे अप्लाई होगा, तो मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए मैंने इसको थर्ड वाले पे लगाया था और उसने इसको फोर्थ पे अप्लाई किया। जब हम वेबसाइट पर वर्क कर रहे होते हैं तो एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का काफ़ी यूज़ होता है। कई बार हमारे सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं कि कोई इनपुट बॉक्स है, उस पर अगर वो फोकस होगा तो उसके नेक्स्ट वाले को हमें एक्टिव कराना है या अप्लाई कराना है, तो वहाँ पर इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। अब देख लेते हैं गाइस नेक्स्ट वाले को, जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर, ये कैसे वर्क करता है। मैं सेम कोड को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। मैंने सप्लाई कर दिया, उसको कमेंट कर देते हैं। CSS में अभी ऐसे लिखे रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही चल रहा है, CSS में अभी ऐसे लिखे रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही चल रहा है। अब मैं इस साइन को हटाकर अपना टिल्ड वाला साइन लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने अप्लाई कहाँ पर लगाया हुआ है, अप्लाई में हटाकर पहले वाले पर लगा देता हूँ और इसको सेव कर, सिंपली इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसने क्या किया कि जिस पर मैंने पहले वाले पर अप्लाई किया था उसने उसके बाद जितने भी सिबलिंग्स थे सबको सेलेक्ट कर लिया। तो गाइस यही काम करता है, जिस भी हम डिप पर या जिस भी एलिमेंट पर सिलेक्टर पर लगाते हैं उसके बाद जितने भी इसको सिबलिंग्स मिलेंगे उन सबको ये सिलेक्ट कर लेता है। अगर मैं अप्लाई यहाँ पर से हटाकर इसको नीचे सेकंड वाले पर लगाता हूँ, तो अब ये सेकंड वाले के बाद जितने इसको सिबलिंग्स मिले उस पर इसने सब को ये अप्लाई कर दिया। तो ये बहुत ही यूज़फुल सिलेक्टर है, इसका यूज़ काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है। तो गाइस आज हमने सीखा कि हम ये स्पेशल सिलेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। आपने भी कभी ना कहीं ये कहीं ना कहीं लिखे हुए ज़रूर देखे होंगे और उसका अच्छे से यूज़ कैसे करते हैं वो आज आपने सीख लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं और आप उसको सबसे पहले देख सकें।